जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं विराट चौधरी, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कमांडो अकेडमी में। दोस्तों आज का जो वीडियो स्पेशली ये मेरे उन भाइयों के लिए जो इस बार SSC GD की तैयारी करें या पिछली बार SSC GD में रह गए हैं किसी कारणवश, पेपर में या फिजिकल में या मेडिकल में किसी भी कारणवश रह गए हैं और इस बार वो तैयारी करने वाले हैं, तो उन सभी के लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो आने वाली वैकेंसी की जो तैयारी कर रही है उनको आज मैं बताने वाला हूँ कि मेरी तैयारी कैसी थी, मैंने कैसे तैयारी की थी। मैंने 90 दिन में तैयारी की थी, मैंने 90 दिन भी पूरी तैयारी नहीं की थी, फिर भी मैंने मतलब बहुत अच्छा स्कोर किया हमारे टाइम के हिसाब से। मतलब 83 थे 2017 की वैकेंसी में, 83 मतलब बहुत ही अच्छा स्कोर था, क्योंकि 78 पे फाइनल मेरिट रही थी, उससे 5 नंबर ज़्यादा थे, तो मतलब बहुत अच्छा स्कोर रहा था मेरा उस समय। और आज के हिसाब से अगर आप 83 है तो इस बार वैकेंसी में आप 85 को आपको लाना होगा, क्योंकि 83 से भी आपका काम बने ना बने इसकी गारंटी नहीं है, 85 नंबर लाने से आपका काम बन सकता है इस वैकेंसी में। तो इसलिए दोस्तों अब मैं बताने वाला हूँ कि मेरी तैयारी कैसे रहने वाली, ये इसलिए बता रहा हूँ मैं ताकि आपको कुछ सीख मिल सके, कुछ चीज़ें जो नए मेरे बच्चे जो दोस्त जुड़ रहे हैं, जो मेरे जितने भी भाई बहन या जो भी नए मेरे से जुड़ रहे हैं या जो नई SSC GD की तैयारी करने वाले हैं, तो उनके लिए मैं ये चीज़ बता रहा हूँ ताकि उनको पता चले कि वास्तविकता है क्या, क्योंकि कई लोगों को पता ही नहीं वास्तविकता क्या, वो पहले हार मान जाते हैं। तो ये मैं विशेष रूप से आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप हार ना मानो। अब सबसे पहली जो बात है वो क्या है कि 90% लोगों को क्या होता है कि ये सोचते हैं कि जो पिछला बेच जो तैयारी कर रहा है वो तो मतलब बहुत अच्छे से तैयारी किया होगा, वो रह गए तो अपना जो नया आ रहा है उसको लगाया कि मैं तैयारी करूँगा तो मेरा नंबर आएगा या नहीं आएगा, और इस बार जो नेगेटिव मार्किंग रहेगी उसका भी क्या असर रहेगा। तो दोस्तों मैं एक चीज़ बता रहा हूँ आपको, जो पिछला तैयारी कर रहा है वो कोई मैटर नहीं रखता कि आप इस बार नए जुड़े हो। अगर आप में दम है, आप में पढ़ने की इच्छा है, केवल आपको एक चीज़ डिसाइड करनी है, एक चीज़ मन में सोचनी है कि अगर मैं नौकरी नहीं लगूंगा तो करूंगा क्या, बस ये चीज़ दिमाग में लेना, गारंटी है मेरी आपका नंबर पक्का हो जाएगा। तो इसलिए सबसे पहले आपके दिमाग में जो चीज़ आनी चाहिए वो ये आनी चाहिए कि आपके पास में ज़िंदगी में ऑप्शन एक ही चुनना है कि हाँ मुझे पहले गवर्नमेंट जॉब चाहिए, उसके बाद मैं दूसरा ऑप्शन पर ट्राई करूँगा। अगर आपने दो ऑप्शन चुन लिए कि या तो गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी नहीं तो मैं प्राइवेट काम कर लूँगा, तो फिर प्राइवेट काम ही करोगे, गवर्नमेंट जॉब नहीं लगोगे। जो वैकेंसी में रह गए हैं तो आप ये सोचिए ना, उनकी तैयारी इस लेवल की नहीं थी कि वो रह गए हैं, तो एक तो भीड़ को ना देखें कि कितने फॉर्म भरे जा रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं होता। आधे से ज़्यादा लोग तो इसलिए फॉर्म भर देते हैं कि भाई वैकेंसी निकली चलो फॉर्म भर दे, उनका तैयारी का ताल्लुका दूर दूर से नहीं होता, ठीक है। तो अगर आप पहली बार भी तैयारी कर रहे हो तो आपका रिजल्ट बहुत अच्छा हो सकता है। जो पहली बार तैयारी कर रहे हैं मैं तो उनको बोलता हूँ, उनके जितना चांस उनके जितना प्रॉफिट किसी को नहीं होता, क्योंकि जब नया लड़का तैयारी करता है उसको बहुत लगन होती है, उसको चीज़ें नहीं आती है तो उसकी पढ़ने की इच्छा शक्ति बहुत ज़्यादा होती है कि हाँ मैं ये भी पढ़ लूँ, मैं ये भी पढ़ लूँ, अलग अलग बुक खरीदेगा, अलग अलग बुक से पढ़ेगा, अलग अलग टेस्ट सीरीज खरीदेगा, नई नई टेस्ट सीरीजों से पढ़ेगा, और उसकी बहुत ही अच्छी मतलब कैपेसिटी रहेगी याद करने की, क्योंकि 12th क्लास पास करके आया पढ़ने में उसकी रुचि है या 10th क्लास पास करके आया पढ़ने में उसकी रुचि है, तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो इसलिए पहली बात तो ये कि आपको ये नहीं सोचना कि मेरे से आगे वाला बंदे को बहुत ज़्यादा आता होगा, वो तो कितने 3 साल से तैयारी करे, अरे उसको बहुत ज़्यादा आता तो वो 3 साल से तैयारी क्यों करता, 1 साल में ही निकल जाता। जितने लड़के जो पिछले से तैयारी करें उनमें से 10% लड़के ऐसे होते हैं जो केवल लक की वजह से रहते हैं, बाकी 90% लड़के इसलिए होते हैं क्योंकि उनकी तैयारी होती नहीं रियल में। 10% लड़के मैं ऐसा मानता हूँ मेरे दोस्त, वो केवल अपने बैड लक की वजह से रह जाते हैं वैकेंसियों में, 1 नंबर से 2 नंबर से, वो बैड लक वाले होते हैं दोस्त, या पॉइंटों से रह गए तो और ज़्यादा बेड लगवा ले होते हैं। लेकिन जो 20-20 नंबरों से 15-15 नंबरों से रह जाते हैं हर वैकेंसी में, फिजिकल देने का नंबर नहीं आता, मेडिकल देने का नंबर नहीं आता, तो वो तो तैयारी नहीं करते, वो टाइम पास करते हैं घर वालों के लिए, ठीक है। तो आप ऐसा नहीं सोचना। अब मैं बताता हूँ अपने बारे में। तो दोस्तों जब मैं तैयारी शुरू किया था तो रियलिटी बात यह है कि मैंने एक्चुअली जो तैयारी की थी इस वैकेंसी की 45 डेज ही थी, और 45 डेज में भी मतलब इतना ये मान के चलिए कि मतलब उसमें भी 35 दिन ही मान लीजिए, 45 डेज ही रेगुलर तैयारी नहीं थी। लेकिन यह था कि मैं मैथ रीजनिंग पढ़ा रहा था, मेरे को अच्छी मैथ रीजनिंग आती थी, आपको शुरुआत में नहीं आती होगी तो वो थोड़ा सा एक प्लस पॉइंट था मेरे पास में उसके बाद में। लेकिन मैं आपको 100% बता दूं, मैं 45 दिन तक मेरा मोबाइल बंद था, सब कुछ मतलब दिल लगा के, ना कहीं कोचिंग में गया, ना कहीं और सेल्फ स्टडी, केवल 24 घंटे जितना पढ़ सकता था उतना पढ़ा मैं, कि भाई मैं इतना पढ़ सकता हूँ खींच के उतना पढ़ा कि मैं 4 घंटे सो सकता हूँ, 3 घंटे सो सकता हूँ, 2 घंटे सो सकता हूँ, जहन में बस हर टाइम यही चीज़ें कि हाँ मुझे ये करना है, इसका आंसर ये होगा, इसका आंसर ये, मतलब अगर वैसी तैयारी अगर आप 3 महीने कर लो जैसे मैंने 1 महीने की थी, आप वैसे 3 महीने कर लो तो आपका 85% स्कोर होने की गारंटी है मेरी,
ठीक है। तो मेरे जो पढ़ने का तरीका था, मैं आपको बता दूं कि मैं जो सब्जेक्ट, जैसे मेरे को जीके बहुत ही बोरिंग सब्जेक्ट लगता था, इसलिए मैं जीके हमेशा सुबह पढ़ता था, क्योंकि सुबह सुबह सभी का पढ़ने का दिल अच्छा होता है। तो इसलिए उस सब्जेक्ट को पढ़िए उस समय जिसको आपको पढ़ने का दिल नहीं करता, ताकि उसमें थोड़ा सा आपको इंटरेस्ट आए और आपको उसमें भी याद हो। क्योंकि जो चीज़ आपको आती है, जो चीज़ आपको अच्छी लगती है ना, वो तो आप किसी भी टाइम पढ़ोगे तो आपको आ जाएगी, ये मेरी थिंकिंग है। तो मैं हमेशा वो चीज़, यानी जो चीज़ मेरे को पढ़ने का दिल कम करता था, वो उस समय पढ़ता था जब सबसे ज़्यादा दिल होता था पढ़ने का। यानी सुबह सुबह आप उठोगे 5 बजे या 4 बजे सुबह आंखें खोलोगे तो आपको दिल करेगा पढ़ने का, तो उस समय आप वो सब्जेक्ट पढ़ें जो आपको बोरिंग सब्जेक्ट लगता है, तो धीरे धीरे आपकी उसमें भी रुचि बन जाएगी। इसीलिए जीके को उसी टाइम बनता था पढ़ता था, ताकि मेरी धीरे धीरे उसमें रुचि बन जाए पढ़ने की। क्योंकि मैथ रीजनिंग तो मैं हर टाइम, किसी भी टाइम मेरे को खड़ा करके कोई भी बोलेगा तो मैं क्वेश्चन हल कर दूंगा। अभी भी मेरे को कोई भी दिखता क्वेश्चन तो मैं ऐसे कर देता हूँ। तो दोस्तों साथ ही एक चीज़ और बता दूँ, जो मेरा दूसरा यूट्यूब चैनल फौजी मैथ अकेडमी, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में। थोड़े से दिनों में उसमें मैथ और रीजनिंग की शानदार क्लास चलाने वाला हूँ मैं SSC GD के लिए, बहुत अच्छी। तो आप अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, साथ ही वहाँ नई वैकेंसी आने वाली, जो नई वैकेंसी है उनके बारे में अपडेट देते रहता हूँ दोस्तों। तो उसको पढ़िए, उसके बाद में जैसे हिंदी है, इसमें आप सभी को पता है हिंदी का लेवल ज़्यादा हाई नहीं आता, तो इसको मैं लास्ट के एक महीने में ही ज़्यादा फोकस किया था हिंदी। उससे पहले जो नॉर्मल चीज़ें जैसे व्याकरण है, उसका ऑनलाइन क्लास आजकल चलती है, मैं तो ऑफलाइन क्लास लेने जाता था, या ऑनलाइन क्लास आजकल चलती है तो आप ऑनलाइन पढ़ सकते हो, उसमें कोई टेंशन ही नहीं है, बहुत ही अच्छे अच्छे टीचर है, तो उनसे आप हिंदी की व्याकरण लीजिए और नोट्स बना लीजिए। एक चीज़ और, केवल नोट्स बनाने में ध्यान ना दीजिए, नोट्स को अपने हिसाब से बनाइए, ना कि उसको राइटिंग से जमा जमा के लिखिए, ऐसा नहीं करना कभी भी। आपको दिमाग में याद करना है, बुक में नहीं। और दिमाग में याद करने के लिए पेन चलना ज़रूरी है, लेकिन इतना राइटिंग से लिखने की ज़रूरत नहीं, बस सीधा धड़ाधड़ ताकि आपको देखते याद आ जाए कि ये मैंने क्या लिखा है। डॉक्टर वाली हैंड राइटिंग में चलने दो, कोई टेंशन नहीं है, दबा दबा के लिखने की जरूरत नहीं है। क्योंकि जो लोग नोट्स बनाते हैं ना, वो बनाते रहते हैं नोट्स, उनको फ़ायदा नहीं होता कभी ज़िंदगी में। तो नोट्स नहीं बनाने, आपको कुछ चीज़ें सीखनी है वहाँ से, वो लिखनी है बस, ताकि आपको दिमाग अलर्ट रहे। उसके बाद में मैथ जब भी पढ़ता था, जैसे भी मेरी इच्छा कम है या सोने का दिल कर रहा था, उस समय मैथ पढ़ता था। मैथ ऐसा सब्जेक्ट है कि आपकी सोने की इच्छा रहेगी या नींद आती रहेगी ना, एक मिनट में आपको जगा देगा। एक क्वेश्चन अगर हार्ड आ गया ना, पूरे दिमाग लग जाएगा उसमें, ये कैसे होगा, इसमें ये फॉर्मूला लगेगा करके पूरा आपका दिमाग हिला देगा। तो इसलिए मैथ उस समय पढ़े, रीजनिंग उस समय पढ़े, मैथ नहीं तो रीजनिंग पढ़े उस समय जब आपको नींद आ रही है और आपको पढ़ने की इच्छा है, आपको लगता है कि मुझे पढ़ना है, तो उस समय आप मैथ और रीजनिंग सब्जेक्ट लीजिए। हिंदी अगर आप फ्री माइंड हो, अगर कुछ नहीं सोच रहा तो हिंदी पढ़ लीजिए कि चलो हिंदी आज थोड़ा सा ये देख लेते हैं माइंड फ्रेश करने के लिए। तो इस प्रकार से सब्जेक्ट की तैयारी करोगे। मेरी तैयारी इस प्रकार से थी, रिजल्ट आपके सामने है, 83 पर स्कोर किया था उस समय, और हमारे हिसाब से 83 बहुत ज़्यादा था, क्योंकि हमारे टाइम पे मेरिट में नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ था, केवल 3 क्वेश्चन गलत थे, उनको सभी को नंबर दिए गए थे। तो 83 अगर स्कोर किया तो बहुत अच्छा स्कोर था, जबकि 78 मेरिट थी, तो उससे 5 नंबर ज़्यादा थे बिना नॉर्मलाइजेशन के, तो इससे ज़्यादा और क्या स्कोर होगा। और ये मेरी केवल, मैं 100% बोल रहा हूँ, 35 दिन की मेहनत थी। तो अगर आप 3 महीने ऐसी मेहनत कर लो दिल लगा के, तो गारंटी है मेरी आपका नंबर कोई नहीं रोक सकता। तो दोस्तों जितने भी मेरे नए साथी जुड़ रहे हैं, जो इस बार SSC GD की पहली बार वैकेंसी देख रहे हैं, उन सभी के लिए मैं विशेष रूप से बताता हूँ, आपको ये नहीं देखना कि पिछली वैकेंसी में जो रहे वो भी तो एग्ज़ाम देंगे, या पहले से जो तैयारी कर रहे हैं आपके बड़े भाई छोटे, उनको तो बहुत कुछ आता है। या आप शुरुआत में जब 10 दिन शुरुआत करोगे ना, और आपके रूममेट अगर आपका कोई पुराना सीनियर रहेगा या जो तैयारी कर रहा है वो रहेगा, तो होगा क्या कि आपको क्वेश्चन नहीं आएगा, उससे पूछना पड़ेगा। तो ज़रूर पूछिए उससे, और आप उससे मोटिवेशन लीजिए, उससे कंपटीशन लीजिए कि यार इसको इतना आता है, मुझे क्यों नहीं आता। तो धीरे धीरे 10-15 दिन बाद में आपको पूरी गणित और पूरा सब कुछ मात्रा समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार से तैयारी करनी, कौन कौन सा टॉपिक तैयार करना है, किस प्रकार से आपकी स्टार्टिंग होनी। ज़्यादातर लड़के के मेरे पास जो मैसेज आते हैं वो बोलते हैं कि सर कैसे तैयारी करें। अरे आप तैयारी करना शुरू तो करिए। अगर मैं आपको यहाँ बता दूंगा, जैसे पीछे गाड़ी खड़ी है, मैं बोलूँगा कि गाड़ी चलाना, आपको चाबी दे दिया, चला लोगे क्या? आप जाओगे, सीट पे बैठोगे, स्टीयरिंग के हाथ लगाओगे, ये ब्रेक है, इधर क्लच है, इधर रेस है, पता चलेगी, तो अपने आप सब समझ में आ जाएगा किसको क्या करना। बाद में मैं मोटिवेशन कर रहा हूँ, चीज़ें बता रहा हूँ किस प्रकार से आपको करना, कि जैसे ड्राइवर को बता दे भाई अब क्लच दबाना है, अब गियर डालना है, तो मैं वो चीज़ें आपको बताता रहूँगा। लेकिन आप बुक के पास में तो जाइए, तो आप बुक के पास में जाओगे तो मैं ज़रूर बता दूंगा। और जितने भी दोस्त इस बार पहली बार जुड़ रहे हैं, उन सभी को बोल दूं कि आप में जो दम है ना, वो पहले से तैयारी कर रहा है उसमें दम नहीं है, और जो पहली बार भर्ती निकालता ना, उसका मज़ा ही कुछ और है। तो इस बार फर्स्ट बार है, और फर्स्ट बार में सिलेक्शन लेना है। और जितने दोस्त मेरे SSC GD में रह गए 18 वाले में, कोई बात नहीं, उसको डिलीट मारो दिमाग में से, फिर से तैयारी करो कि चलते चलते गिर गया हूँ,
संभल जाऊंगा, फिर उठूंगा, फिर खड़ा होऊंगा और जीत भी जाऊंगा। तो फिर संभल जाइए और जीतने की तैयारी करने दीजिए शुरू दोस्तों।